गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव समाप्त हो चुके हैं और एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो वहाँ पर किसकी सरकार बनेगी इसका कोई क्लियर मैंडेट नहीं है। लेकिन एक चीज़ क्लियर कट हमें पता चल रही है कि आम आदमी पार्टी अब एक नेशनल पार्टी बनने वाली है। मैं इस टॉपिक को टोटल 3 पार्ट में डिस्कस करूंगा, जहाँ पे कि फर्स्टली एक क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इंडिया में नेशनल पार्टी बनने के लिए, दूसरी एक इंडिया में अगर कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से नेशनल पार्टी बनती है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और थर्डली इसके क्या कंक्लूजन आते हैं। रीजनल पार्टी को नेशनल पार्टी बननी है तो उसके सामने 3 ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पे कि सबसे पहला होता है कि 4 या फिर उससे ज़्यादा स्टेट्स में अगर लोकसभा इलेक्शन या फिर उसके विधानसभा इलेक्शन में 6% से ज़्यादा वोट आते हैं उस पार्टी को, और साथ ही में 4 कम से कम लोकसभा में उसके सीट्स होने चाहिए, तभी वो नेशनल पार्टी के लिए एलिजिबल होगी। दूसरा तरीका नेशनल पार्टी बनने का किसी भी रीजनल पार्टी के लिए ये है कि उसको 3 डिस्टिंक्टिव स्टेट्स में कम से कम लोकसभा इलेक्शंस में 2% उस स्टेट के सीट्स आने चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि अगर यूपी में 80 लोकसभा के सीट है तो वहाँ के जो 2% सीट्स होंगे वो उसको सिलेक्शन में आने चाहिए, और ऐसे उसके पास कम से कम 3 स्टेट्स होने चाहिए तभी वो एलिजिबल होगी। और तीसरा तरीका है कि आपको 4 कम से कम मिनिमम स्टेट्स में स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन होना चाहिए, आपको स्टेट पार्टी के क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा एटलीस्ट 4 स्टेट्स में, तभी आप नेशनल पार्टी के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अभी मौजूदा टाइम में भारत में कुछ नेशनल पार्टीज बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, और इन पार्टीज़ को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं नेशनल पार्टी को होने के कारण। सबसे पहला बेनिफिट है कि इस पार्टी के अंदर जितने भी कैंडिडेट नॉमिनेशन करते हैं उनके डायरेक्ट नॉमिनेशन होते हैं, और सेकेंडली उनको उस पार्टी यानी कि नेशनल पार्टी के सिम्बल के तहत इलेक्शन वोटिंग मिलती है। एक नेशनल पार्टी को जनरल इलेक्शन या फिर लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे आकाशवाणी या फिर दूरदर्शन पे टेलीकास्टिंग राइट्स भी मिलते हैं ताकि वो अपने प्रोपागेंडा को मैनिफेस्टो को बता सके जनता को। साथ ही में एक नेशनल पार्टी 40 स्टार कैंपेनर को नॉमिनेट कर सकती है अपने पार्टी के प्रचार करने के लिए किसी भी इलेक्शन के दौरान। और लास्टली जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि गवर्नमेंट एक नेशनल पार्टी को बिल्डिंग या फिर लैंड देती है अपने हेडक्वार्टर्स को सेटअप करने के लिए। लास्टली कंक्लूजन ये रहता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रीजनल पार्टी बनना बहुत इजी है, लेकिन उस रीजनल पार्टी को उठकर नेशनल पार्टी बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है। और पिछले सिर्फ 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने अपने आम आदमी पार्टी के द्वारा ये चीज़ करके दिखाया, क्योंकि उनकी ऑलरेडी पंजाब में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, वो गुजरात में भी अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ वोट्स लेके आ रहा, और गोवा में उनके पास 2 MLA भी है। बाकी नेशनल पार्टियां जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस कितनी भी अरविंद केजरीवाल उनके आम आदमी पार्टी को डिनाई करे, लेकिन ये सच्चाई है कि सिर्फ 10 सालों में उन्होंने एक नेशनल पार्टी खड़ी करके रख दी है, और ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है इंडिया के पॉलिटिक्स में। आप सभी आम आदमी पार्टी के इस राइज के बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो अगर अच्छा लगे, वीडियो अगर मेरे मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करो, क्योंकि एवरी ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे चैनल वीडियोज कंटिन्यूअसली पोस्ट हो रहे हैं डिफरेंट गुड गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यू कैन चेक अदर वीडियोज ऑन माई चैनल ऑल्सो। सी वेरी सुन, तब तक ले बाय।